हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, कि मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। पिछली जितनी भी वीडियोज़ में हमने सारी की एंशियंट इंडिया के जितनी भी हिस्ट्री थी वो सारे हमने थ्योरी नोट्स क्लियर कर लिए है। फिर भी अगर उसमें से अगर कुछ टाइमलाइंस ऐसी हैं वो मैं आपके लिए किसी दिन स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी। वो वीडियो हमारे कम से कम 1-2 आवर की होएगी, जिसमें सारी की सारी टाइम लाइन्स मैं आपको क्लियर करवाऊँगी कि एंशियंट इंडिया की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्य भारत के इतिहास की। तो उसकी भी आई थिंक सो नियर अबाउट 14 to 15 वीडियोज़ रहने वाली हैं, जिसमें सारा हमारा मेडिवल इंडिया का जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी कवर होएगी। तो डेली टू डेली आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी बस कि जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। इसका पहला टॉपिक क्या रहता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी कि अरब से आने वाले कुछ लोग अरब से आने वाले लोगों का जो आक्रमण था, ये सारा आज हम उसके बारे में करेंगे। उसमें क्या रहता है कि जो पहला आक्रमण जो हुआ अरबों का, वो 8वीं सदी में अरब आक्रमण हुआ। ठीक है, यानी कि ये याद रखना कि 8वीं सदी में किसका आक्रमण हुआ? अरब लोगों का आक्रमण हुआ। ये पहला अरब आक्रमण था। ठीक है, अरब भारत के पहले मुसलमान थे, मुसलमान हमलावर, यानी कि अरब लोग जो थे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान थे। इसके पहले किसी भी मुसलमान ने, यानी कि मुस्लिम्स ने, इंडिया पर अटैक नहीं किया था। अरबों के हमले के समय जो सिंध की राजधानी क्या थी? अल्लोर थी, मौजूदा या कि जो इस टाइम पे रोहेड़ा शहर है वो, उसको पहले क्या नाम था? अल्लोर था। जिस टाइम अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों ने हमला किया सिंध पर, तो उस टाइम पे उसकी राजधानी क्या थी? सिंध की राजधानी अल्लोर थी। और सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। ओके स्टूडेंट्स, और दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच। ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि उस टाइम पे पूछा जा सकता है अरबों के हमले में समय जो अल्लोर का राजा कौन था? राजा दाहिर था। सिंध का राजा दाहिर था, और या दाहिर के पिता का क्या नेम था? उनके पिता का नाम चच था। चच नामा फारसी ग्रंथ है एक, इससे सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब चच यानी कि इनकी, पहले क्या होता था कि जितना भी जो मुगल एम्पायर है या सल्तनत का वाला है, जितने भी मुस्लिम्स थे, ये सारा या उससे पहले एंशियंट इंडिया में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो किंग्स होते थे वो अपनी ही बायोग्राफी, यानी कि उनकी पूरी लाइफ की पूरी एक बुक लिखी जाती थी कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। ऐसे ही एक चच राजा जो दाहिर के पिता थे, उनके नाम की एक बुक थी जिसको बोला जाता था चचनामा। ये एक फारसी ग्रंथ है, इसी से क्या है, सिंध पर विजय जो, यानी कि अरबों ने जो सिंध पर हमला किया उस पर जो विजय हुई उसके बारे में ये बताया गया। ओके, आगे क्या आता है? अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के अधीन भारत पर पहले सफल हमले की अगुवाई की, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले अरब हमलावर कौन था जिसने सिंध को जीता, तो वो कौन था? पहला मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कब हुआ, इसने कब अटैक किया? अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रहे, सबसे पहले अरब जिसने आक्रमण किया तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने कब आक्रमण किया, कब जीत लिया? 712 ईस्वी में क्या किया इसने? सिंध को जीत लिया। ओके, अब इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य था सिर्फ साम्राज्य का या तो विस्तार करना, या धन प्राप्ति करनी, या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार करना। स्टूडेंट्स, ये जो अरबों ने जितने भी अटैक किए इंडिया में, इनका मेन मोटिव क्या था इंडिया में अटैक करने का? कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कर सके, या फिर जिस जगह पर अटैक करते हैं उसको जीत कर वहाँ पर जितना भी धन है उसको लूट कर अरब वापस लेके जाया जा सके, या फिर इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? प्रचार। ओके, अब और क्या आता है? 711 में सबसे पहले उबैदुल्ला ने अटैक किया था। सबसे पहले जो अटैक अरबों का अटैक था 711 में उबैदुल्ला ने किया। अब इसी ईयर में बुदैलबे ने किया, बट इन दोनों ने
अटैक तो इंडिया अटैक तो सिंधु पर किया बट वो सफल नहीं हुए, ठीक है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, असफल प्रयास, सिंधु को जीत नहीं पाए। फर्स्ट अटैक जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो ये पहला सफल आक्रमण था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद से जो इंडिया पे कह सकते हैं हम कि इस्लाम यानी कि मुस्लिम रिलीजन जो था वो इंडिया में एंटर हो चुका, ओके। नेक्स्ट क्या रहता है, मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हजार से आज्ञा लेकर सिंध आया था। स्टूडेंट्स जो मोहम्मद बिन कासिम था ये ईरान का एक हाकिम था अल हजार, उससे आज्ञा लेकर ये सिंध आया था। फिर उसने आकर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, आकर सिंध को जीत लिया। अब सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर शाह, आपको जैसे मैंने बताया राजा दाहिर शासन करता था, ये कौन था, चच का पुत्र था, और ये राजा दाहिर क्या था, एक हिंदू शासक था, ओके स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ क्या है, अब ये जो ये तो आपने देख लिया कि अरबों ने अटैक किए, अब इसका अरबों के अटैक तो हुए बट इनका आखिर में रिजल्ट क्या, इनका इफेक्ट क्या पड़ा सिंध पर या हमारे इंडिया पर, वो सारा देखेंगे। अब क्या है, अरबों ने ऊंट पालन और खजूर की खेती की, यानी कि अरब लोगों ने जब अटैक किया सिंध को जीत भी लिया, इन्होंने यहाँ आकर ऊंट पालना स्टार्ट कर दिया और खजूर की खेती भी की, यानी कि अरबों से पहले सिंध प्रांत में या इंडिया में ये ना ऊंट पालन का किसी को पता था ना खजूर के खेती के बारे में किसी को पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम इस्लाम का एंट्री अरबों के आक्रमण के साथ हुई, उससे पहले इंडिया में इस्लाम धर्म नहीं था, ओके। अब हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबवासियों ने ही किया था, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार हिंदू या हिंदू शब्द किसने उपयोग किया, तो वो अरबवासियों ने ही किया था। ये इन्होंने क्यों किया था स्टूडेंट्स, ये अरबवासी जब आए, अब ये देखो ये सिंध प्रांत की ओर से आए, अब सिंध प्रांत में बहती है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये हिंद नाम या हिंदू नाम क्यों बोला कि सिंधु नदी के किनारे के रहने वाले जितने भी सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे उनके अकॉर्डिंग क्या बोला कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग सिंधु वर्ड से ही बने हिंदू, ठीक है, सिंध वर्ड से बना हिंद, सिंधु वर्ड से बना हिंदू, इसी वजह से उन्होंने हिंदू शब्द का फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया वो किसने किया, अरबवासियों ने ही किया। नेक्स्ट है, अब भारत में पहला जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध में की। ये जजिया कर क्या होता है, जजिया कर एक ऐसा टैक्स है, आगे जाके इसके बारे में डिफाइन से करें, वैसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है जो कि किससे, गैर मुसलमान से लिया जाता है, यानी कि जो लोग मुसलमान नहीं होते उनसे ये टैक्स लिया जाता था जिसको बोलते थे जजिया कर। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने ही स्टार्ट किया, सिंध में स्टार्ट किया। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद करवाया। ये कुछ ग्रंथ थे हमारे इंडिया के हिंदू ग्रंथ थे, जैसे पंचतंत्र हो गया, ब्रह्म सिद्धांत हो गया, इन सब का जो अरबी में ट्रांसलेट, ये अरबी में अनुवाद किसने कराया, मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया, या फिर कह सकते हैं अरबों के आक्रमण के बाद ही हुआ। अब इसके बाद भारतीय खगोल शास्त्र का भी विकास हुआ। उसके बाद है, अरबों ने सिंध में दिरहम नाम के सिक्के प्रचलित किए, ठीक है स्टूडेंट्स, अरबों ने क्या किया, सिंध में दिरहम नाम के सिक्के प्रचलित किए, अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध में अरबों ने कौन से सिक्के प्रचलित किए, तो सिक्के का नाम क्या है, दिरहम, दिरहम नाम के सिक्के प्रचलित किए, और अरबों ने भारतीय अंकों को भी अपनाया, यानी कि जो इंडियन के जो अंक थे 1 से लेकर 10 तक या 0-0 से लेकर, उनको भी इन्होंने अपनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अब इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म तो मैंने आपको बताया कि इनके अरबों के आक्रमण के बाद इंडिया में इस्लाम धर्म आया, अब इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में क्या करेंगे, इसके संस्थापक कौन है, हज़रत मोहम्मद शाह इसके संस्थापक है, जन्म जिनका हजरत इनका जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी मक्का में हुआ, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस तरह से स्टूडेंट्स हम मानते हैं ना कि अपने, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा
महात्मा बुद्ध जी जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया, महावीर जैन जी ने जैन धर्म स्टार्ट किया, ऐसे ही इनके थे पैगंबर एक हजरत मोहम्मद शाह जिन्होंने इस्लाम धर्म स्टार्ट किया। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग इनका एक कैलेंडर है जिसको बोला जाता है हिजरी संवत, वो इसके अकॉर्डिंग है। एंड इनकी जो मैरिज हिजरी संवत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 24 जिसको हम बोलते हैं 24 सितंबर के, सितंबर मंथ के आसपास जब ये रोजे रखते हैं उस टाइम पे इनका न्यू ईयर इनका तब होता है। अब इनकी जो मैं विवाह थी, इनका जो हजरत मोहम्मद शाह जी की मैरिज हुई वो किससे हुई, खनीजा से हुई। इनकी एक पुत्री थी जिसका नेम था फातिमा। इनकी डेथ कब हुई, 632 ईस्वी में इन्हें मदीना में ही दफनाया गया। ठीक है, अब देखो मक्का में इनका जन्म हुआ, मदीना में इन्हें दफनाया गया, इसीलिए ज़्यादातर जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं जिसको बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, इस्लाम की लैंग्वेज में हज बोला जाता है, वो ये मक्का मदीना में इसीलिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका एक पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान, जैसे कि आपको पता है पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाए, यानी कि इनके जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद शाह इनके आगे जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या बोला गया, खलीफा। ये खलीफा वही थे जिनके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो इस्लाम धर्म है ये इनके अकॉर्डिंग ही सारा चलता है। जो खलीफा का ऑर्डर होता है, जो खलीफा एक बार आदेश दे देते हैं उसी को सारे इस्लाम धर्म को मानना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो बच्चे।